Like a Hellcat. तो हेलो गेमर्स, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है फ्यूज एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे गेम में नया इवेंट आ चुका है और नया सेक्शन भी जुड़ चुका है गेम के इवेंट सेक्शन पे एंड यहाँ पे भी बगल में। तो विजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको हिंदी मीनिंग, जो कि बहुत सारे लोग को नहीं समझ आएगा। तो जो मतलब कि डेली लैंग्वेज में जो लोग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो मैं उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसका सिंपली मतलब होता है बदला। मतलब क्या, देखो गाइस मैं बता दूँ, जो देख रहे हो और देखने के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मैं उनसे वेजेंस दूंगा। मतलब बता है जो भी। सो पहली बात ये बता दूँ कैसे। तो कुछ दिन पहले आप लोग को शायद मिला होगा, देख लूँ मैं मेल डिलीट नहीं होगा, शायद डिलीट हो गया गाइस। नहीं नहीं नहीं, ये है। तो वेजेंस कमिंग, देखो आपको पहले डस्ट टोकन मिले होंगे कल। सो वीडियो तो लेट हो ही जाती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो अभी देखो एक्सचेंज अल्टार, मतलब अल्टार का मतलब हॉल होता है। ये बहुत सारा मतलब कि एपिक और यूनिक वर्ड्स दे रहे हैं गलना वाले, पता नहीं क्यों। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एकदम फ्री देखने को मिल सकती हैं। मतलब कि गाइस मैं बता रहा हूँ ना कि फ्री वाली, अभी बारिश होने वाली है आपके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और अपकमिंग इंक्यूबेटर वगैरह के बारे में बताऊंगा एंड जो हमारी छोटी वाली मतलब कि मालगाड़ी जिसको बोलते हैं बहुत लोग, मतलब कि कैरियर बहुत लोग होता है तो बोलते हैं उसे कैरियर, तो उसकी स्किन हमें इलाइट पास को इलाइट पास में देखने को मिल सकती है। एंड मैं इलाइट पास मतलब मिस्ट्री शॉप जो आ सकता है उसके बंडल दिखा सकता हूँ, जो कि क्योंकि यार चांसेस तो कम लग रहे हैं मिस्ट्री शॉप आने के, इसलिए मैं खाली उसको बंडल दिखा सकता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि अभी दो बंडल हैं। तो एनिवर्सरी वाला इवेंट हमारा कैसे कंप्लीट होगा, तो हमें पहले सिंपली यार हमें इसमें गेम खेलना है नॉर्मल। एंड नॉर्मल गेम खेलने पे हमें एक टोकन मिलेंगे। 10 गेम खेलो आप नॉर्मल डेली आके, तो आपको टोकन मिल जाएंगे आसानी से। एंड देखो गाइस, जिसके तीन तीन पॉइंट्स अगर जिसको मिल रहे हैं ना शुरुआत में, मतलब कि पहले आप स्पिन करोगे तो रैंडमली एक दो तीन पॉइंट में से कोई से भी पॉइंट आपको मिल सकते हैं। मतलब कि देखो, जैसे मैंने अभी एक स्पिन किया, मैं चार टोकन है अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये अपना मतलब कि सो देख रहे हैं गाइस। देखो अभी देखो तीन पॉइंट्स अभी मुझे मिले। देखो तो मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, क्लेम कर लेते हैं भाई ये कहे। चलो कोई ना, अभी भी हमें मतलब कि देखो 12 दिन का इवेंट है। अगर आपको एक एक टोकन भी मतलब एक एक पॉइंट भी मिलते हैं ना, तो आप 12 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और ये मैं जानता हूँ कि 12 दिन के बाद ही ख़त्म होगा ये, उसके पहले भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो गाइस चलो देख रहे हैं और स्पिन करके क्या मिलता है। 35 किट जूते मिल गए। सो गाइस आ जा बे, अच्छा टोकन ख़त्म। तो ये बंडल तो मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि हमें मिलता नहीं है, प्रोग्राम में नहीं ना हूँ, पार्टनर प्रोग्राम है इसलिए। तो गाइस सो गाइस, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, एक दो बंदे ने कमेंट भी की कि ये ट्रिक काम नहीं की है, तो मैं बता दूं कि अगर आप रात को 12 AM पे, जस्ट 12 AM पे अगर आप स्पिन करते हो, तो 12:10 के अंदर अंदर अगर आप स्पिन करते हो, तो आपके चांसेस जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे आपके मतलब कि आने के। देखो मैंने कल ही स्पिन किया, मेरा 100 luck point हो गया था, 100 luck point भी मिला, बट 100 luck point मुझे पहले भी नहीं मिला था। ये मेरा आई थिंक यार, हाँ ये वाला देखो, देखो ये मुझे मिल चुका है, बट मेरे पास मेल ही नहीं है, तो मैं फीमेल का क्या करूँगा यार। लेके फीमेल में तो मैं अपना नॉर्मल वर्क ही सबसे ज़्यादा जो पुराने कॉस्ट पुराने और रेयर कॉस्ट में वो पहना के नॉर्मल जो वेस्ट हाइड नहीं करते ना, वो उसी से खेलता हूँ। मतलब कि यार वेस्ट हाइड करके क्या हो जाएगा, जो पुराने ही है तो बस ऐसे ही। एंड 12 मैंने ट्राई किया, तो मैं सोचा यार मैजिक क्यों मिल जाता। एंड यार गाइस मैं बता दूँ, न्यू पेट जो हमारा है उसकी भी एबिलिटी मैं बताऊँगा। तो पेट सेक्शन पे तो देख लेते हैं पेट हमारा ऐड हुआ या नहीं। सो ओबी के अपडेट पे ही हमारा पेट आएगा, मतलब कि ओबी जो ओबी 24 है क्या है भी नहीं पता, और हम बता देंगे आपको, ज़रूर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो अब बात करते हैं फ्री वाले आइटम्स की जो हमें इस वेजेंस इवेंट पे फ्री मिलेंगे। तो गो टू करते हैं, फिर कैलेंडर में जाके देखते हैं। देखो कैलेंडर जो रहता है ना वो एकदम सच रहता है, मतलब कि उसमें आपको जितने भी आइटम्स फ्री देखने को मिल सकते हैं ना, वो फ्री वाले आइटम्स मिलते हैं।
तो देखो मुझे भी एक कन्फ्यूज़न है इसमें अभी तक, वो भी दिखाऊंगा मैं। देखो गाइस यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एक बैकपैक, इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारा ड्राइंग वाला इवेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है यार। मतलब कि क्या है, मतलब ये बैकपैक का स्किन दिया गया है, बट भाई ग्रेनेड का स्किन बहुत ज़्यादा ओपी दिया गया है इस बार। मुझे लगा है टॉप अप इवेंट पे आएगा, तो मैं बताना चाहूँगा एक बात, एक कन्फ्यूज़न है मुझे। तो जो हमारी फायरी वाली ऑरेंज वाली ब्लू वाल की स्किन है जो अदर सर्वर्स पे चल रही है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो बहुत लोग देखे हो गए, अगर आप विंसेंजो वगैरह का गेम प्ले देखते हो और बाहर सर्वर्स के बंदों का गेम प्ले अगर देखते हो आप तो आपको मिल जाएंगे, बट इंडियन सर्वर पे ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस मुझे लगता है ये जो बैकपैक है और वो वाली ग्लू वॉल की स्किन इस बार के टॉप अप इवेंट पे आ सकती है। बट यार गाइस देखो इस बार का ग्लू वॉल था तो मुझे अच्छा लगा, बट उसको गेम खेलने से ना गेम प्ले मेरा थोड़ा मतलब कि घटिया हो गया है। मतलब कि गाइस देखो अगर आप वो बड़ी वाली ग्लू वॉल यूज़ करते हो ना तो जितनी आपकी मूवमेंट स्पीड है ना आप उसमें कहीं फंस जाओगे, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है। और देखो कैलेंडर में जाके दिखा दूँ तो वो बैकपैक इसमें मेंशन नहीं किया गया है, देखो वो वाली बैट इसमें मेंशन की गई है। एंड जो इसको हाँ ये जो टोकन से उसको ऑर्ब बोलते हैं, ऑर्ब ऑर्ब ब्रांड है। तो और चीज़ और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो हमारा अभी वेनम वाला एक बंडल आया था, वेनम 2.0 मैं बोलता हूँ उसको, फैंटम प्लेग बंडल, तो उसके हेयर्स आप देख सकते हो, उसके हेयर्स ये जो जो कैरेक्टर है उसके हेयर्स और मास्क, ये मतलब कि जो कैरेक्टर है बेसिकली आलोक ही है तो वो पहना हुआ है उसके हेयर्स एंड मास्क। तो गाइज मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। और डेड बॉक्स में बता दूँ आपको कैसा लग रहा दिखेगा तो मैं बताना चाहूँगा, एक सेकंड गाइज डेड बॉक्स में दिखा देता हूँ, स्टोर सेक्शन पे ही अवेलेबल है वो वाला। और वो स्कल किंग पहले हमारा एक इवेंट चल रहा था स्कल हंटर की स्कल किंग, तो उस पर हमें देखने को मिला था, तो कलेक्शन में जाते हैं गाइज। एंड देखो ये वाला डेड बॉक्स है, बस उसमें से अलग कुछ किनारे मतलब कि उसमें कुछ रहेंगे। सो गाइस अपकमिंग अब मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारा अपकमिंग और सारे इवेंट क्या हो सकते हैं। बट देखो गाइस ये हमें तो एक पेंट ब्रश वाला होली पे हमें एक इवेंट देखने को मिला था जिसमें हम डेली कम से कम एक फ़ोटो कम्प्लीट कर सकते थे और डेली हमें 10 पेंट ब्रश देखने को मिलते थे। पेंट ब्रश मतलब कि ये टोकन्स होते हैं, वो बेसिकली उससे हम एक पिक्चर को फिल कर सकते हैं, उसमें बेसिकली 10 कलर हमें भरने होंगे। एंड उससे अगर हम मतलब कि हमें टोटल 40 टोकन चाहिए होंगे, 40 गेम अगर आप डेली खेल मतलब कि डेली तो नहीं, डेली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 दिन में अगर 40 गेम तो आप आसानी से खेलोगे यार, 40 का 100-150 खेल लोगे। तो पेंट ब्रश वाला इवेंट जो हमारा स्टीसी वगैरह का कलर करना था पिछले होली वाले इवेंट पर आया था, तो मतलब कि इसी होली इवेंट आया था इसी, तो वो वाला मैंने कवर किया था, बट मैंने वो सारी वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि यार मेरा आईडी जो था वो मतलब कि हाँ गेम आईडी तो वो हैक हो गया, तो उस वजह से मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी। एंड मैं मतलब कि यार क्या बोलूँ, उस टाइम इतना गुस्सा था ना इसलिए डिलीट कर दिया था, मैं शायद सोचा डिलीट करूँ बट यार मैं सोचा कि यार इसमें तो पैसे हैं क्या करूँ मैं डिलीट कर दिया। तो देखो कैलेंडर इसमें कलर चैलेंज है तो वही है, अभी इवेंट खुला नहीं है। और ग्रिम रीपर मोड जो हमारा है जिसमें एडवांस सर्वर में जो लोग खेल लेते हैं तो उनको अनलिमिटेड मतलब कि लैंडमाइन वगैरह दिख रही थी, तो वैसा कुछ नहीं है, लैंडमाइन हमें नहीं लगाया जाएगी अनलिमिटेड, ऐसा रहेगा तो लैंडमाइन दी ही नहीं जाएगी ना, ग्लू वॉल हो सकता है तो ग्लू वॉल और ग्रेनेड भी नहीं दिया जाएगा, ग्लू वॉल खाली दिया जाएगा ऐसा हो सकता है। एंड रोबो की स्किन है, रोबो जैसा हमारा रेड वाला पैंथर था, एक सेकंड गाइस शायद वो स्टोर पे अवेलेबल हो मैं दिखा दूँ, नहीं गाइस स्टोर पे तो शायद अवेलेबल नहीं है, नहीं नहीं है, ये वाली हमारी जो पेट की स्किन है ऐसी ही शायद वो रोबो की भी स्किन ऐसी ही है, जस्ट सेम गाइस है। एंड उसके बाद बात करते हैं तो हमारा आता है इसके फीमेल बंडल के बारे में, तो इसका फीमेल बंडल हमें देखने को मिल सकता है जो इसका ग्रीन और ब्लू वाला हमारा बंडल मतलब कि बंडल है, इसके 3-4 पार्ट है ना, तो उसका फीमेल बंडल हमें देखने को मिल सकता है इस बार के मिस्ट्री शॉप में, या तो कुछ और बंडल भी हैं तो वो मैं दिखा देता हूँ वो मिस्ट्री शॉप में आ सकते हैं या नहीं, उसके इफेक्ट्स वगैरह कुछ तो क्लियर नहीं है बट दिखाता हूँ मैं गाइस एक सेकेंड। कि आप सभी लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारी नई पेट की स्क्रीन है, तो मैं अभी बाहर सर्वर पे नहीं हूँ, मैं मतलब कि यार इसका स्क्रीनशॉट लेके बैठा हुआ हूँ तो वही दिखा रहा हूँ। एंड भाई गाइस
मैं आगे चल के आपको इंक्यूबेटर का कॉस्ट्यूम दिखाता हूँ, तो आपको इसी की एबिलिटी भी बता देता हूँ। तो गाइस वेट करो, हमारे अपकमिंग इंक्यूबेटर का मेल बंडल है, एंड चलते हैं अभी इसके फीमेल बंडल की तरफ। गाइस ये है हमारा मेल बंडल, मतलब कि सेकेंड मेल बंडल, एंड अब थर्ड मेल बंडल मैं दिखा दूँ। तो ये देख लो, ये थर्ड मेल बंडल है हमारा। एक सेकेंड गाइस, सॉरी, ये थर्ड मेल बंडल है, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेंगे। एंड अब सेकेंड और थर्ड फीमेल बंडल में दिखाता हूँ। फर्स्ट सेकेंड फीमेल बंडल, एंड गाइस ये मुझे पर्सनली फेवरेट लगा। एंड चलते हैं अब थर्ड वाली की तरफ, हमारा थर्ड फीमेल बंडल। अब चलते हैं अब हमारी पेट के स्किल की तरफ। स्किल के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और इमेज दिखाना चाहूँगा, जो हो सकता है कि मिस्ट्री शॉप में आए, या तो गोल्ड रॉयल और डायमंड रॉयल हो सकते हैं हमारे। तो एक ये है, एंड गाइस दूसरा ये है, देखो ये जोकर वाला लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एनिवर्सरी पे देखने को मिल सकता है हमारे डायमंड या फिर गोल्ड रॉयल में। इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह तो अभी क्लियर नहीं है। अब चलते हैं पहले वाले के, मतलब कि पहले वाले का वो है, तो ये गोल्ड रॉयल में आ नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे बंडल है, तो गोल्ड रॉयल में आने कोई चांस नहीं है। एंड ये रहा मेरे दूसरे वाले का फीमेल वर्जन। तो मैं बता दूं कि इसके मिस्ट्री शॉप में, मतलब कि जो गोल्डन वाला हमारा सेट है ना, तो गोल्डन वाला सेट है, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि वो हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग मिस्ट्री शॉप में, क्योंकि यार 24-25 तारीख तक इवेंट हमारा ये वेजेंस वाला भी चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट है, तो आधे महीने तो चलना ही चलना है, अभी से लेके आधे महीने तक। एंड बात करें यार पेट स्किल की, तो पेट स्किल हमारा बेसिकली यार हो सकता है कि वो हमारा हमें ग्लू वॉल बना के देगा, एंड लुकास का भी मैं बताऊंगा, लुकास हमारा जो अपकमिंग कैरेक्टर होने वाला है उसके तरफ मैं बताऊंगा कि जो हमारा कैरेक्टर उसकी स्किल भी कैसी है, तो वो भी बताऊंगा मैं, सॉरी गाइस। एंड गाइस देखो मैं गेम प्ले अभी, मुझे मतलब कि मेरे पास कुछ सेटअप वगैरह नहीं है, मैं एडिट वगैरह नहीं कर पाता हूँ, इसलिए यार सॉरी मैं गेम प्ले नहीं लगा पाता हूँ स्क्रीन पे, एंड फ्लोटिंग स्क्रीन मुझे सेट करना नहीं आता, तो बाद में मैं आपके लिए गेम प्ले और अपडेट्स एक साथ ला के रखूँगा यार। सो मैं बता रहा था कि हमारे अपकमिंग जो मतलब कि सॉरी पेट का स्किल है, तो वो हमें बेसिकली ग्लूअर बना के देगा 2 मिनट पे। अगर उसकी स्किल आपने नहीं बढ़ाई है, उसका लेवल आपने नहीं बढ़ाया है, तो वो आपको ग्लूअर बना के देगा। एंड ग्लूअर मतलब कि भाई ग्लूअर, असली ग्लूअर अगर आपके पास नहीं होगा, और दो ग्लूअर से ज़्यादा, वो दो या तीन ग्लूअर से ज़्यादा आपको नहीं देगा। एंड अगर आप मैक्स कर लेते हो तो आपको शायद 3 ग्लूअर देगा हर 80 सेकंड में, मतलब कि अगर आपके पास 3 ग्लूअर से ज़्यादा है तो वो आपको नहीं देगा, समझे गाइस। तो मुझे कुछ खास नहीं लगी एबिलिटी, में बोला कि यार इससे अच्छा तो हम ड्रॉप लूट के, मतलब कि जो एयरशिप रहता है उसको लूट के ग्लूअर ले लें, क्या फ़ायदा। एंड सो गाइस अब मैं बताना चाहूँगा जो हमारा लुकास कैरेक्टर है, तो जो हमारा एंटोनियो कैरेक्टर है ना और मिगुएल, तो उसको बेसिकली कंबाइन कर दिया गया है इसकी एबिलिटी पे। देखो तब भी मुझे एंटोनियो से ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, अगर आप बिना एचपी गिराए फाइट ले लेते हो तो। दिखा देता हूँ मैं एंटोनियो, शायद मेरा अनलॉक नहीं है एंटोनियो, क्या भी क्या लग गया, बुरा लग गया यार। एंटोनियो और क्लू कैरेक्टर में मुझे कुछ खास नहीं लगी है, क्योंकि उससे बढ़िया तो देखो गाइस, अगर क्लू कैरेक्टर है ना, तो अगर वो बन मतलब कि एनिमी को अच्छे से पूरा टैग कर देती ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। चलो मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, शक्ल ही बेकार है यार। हाँ गाइस, तो हमारा एंटोनियो कैरेक्टर की है एबिलिटी की 10 एक्स्ट्रा, अभी मतलब कि आपने अपग्रेड नहीं किया है, मैंने तो है ही नहीं, तो अपग्रेड क्या करूँगा, तो वो हमें 10 HP देगा, मतलब कि गाइस 10 HP शुरुआत में देगा, फिर आप अगर वो ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म, मतलब कि और कुछ आपके लिए नहीं बचेगा। सो बात करते हैं यार उसकी अगली म्यूएल की, तो म्यूएल आपको ना मतलब कि 60 या 10 कुछ आपको ऐसे ही करके वो देता है, क्या बोलते हैं EP, जो कि गेम में कुछ काम की नहीं आती है। सो मेरे से बताऊँ गाइस क्या हो गया था, मैं सिर्फ मजाक में, मुझे लगा कि ओके करने के लिए आएगा, तो मतलब कि यार मैं 11-8 का कार्ड मतलब कि यूज़ कर लूँगा, मतलब कि नहीं करूँगा, करने ही नहीं वाला था, मजाक में मैंने इसे अपग्रेड कर दिया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करता, पहले कभी कभार यूज़ करता, क्योंकि यार पहले हमारा आलोक नहीं था, तो ये बहुत लोग यूज़ करते थे, इसलिए
एंड तो ये देखो इसकी पहले लेवल से बताऊंगा, तो गेन 30 एच पी फॉर ईच किल, मतलब कि 30 एच पी हमें ई पी देता है, सॉरी गाइस ई पी एच पी देने लगेगा तो भाई ओ पी हो जाएगा। एंड गाइस अब इसके बाद बात करें तो गाइस मैं मतलब कि थक गया हूँ बोलते बोलते। एंड चलो गाइस बहुत लंबी वीडियो बन गई है इसके, सो सॉरी भाई। ये क्या लग गया अभी जिम कांडी हट, एक सेकंड गाइस चिमकांडी को हटा दूँ, मुझे चिमकांडी बिल्कुल पसंद नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अबे ये क्या है बे, सो गाइस एंड लुकास की बात करें तो वो हमें 30 मैक्सिमम 30 या 35 एचपी तक बढ़ा के देता है, एंड वो ईच किल पे हमें 5 एचपी देगा। एंड वो ज़्यादा मतलब कि हमें मुझे कुछ खास नहीं लगा है, बहुत बेकार कैरेक्टर है, क्योंकि यार मैं सोचा कि यार अनलिमिटेड अगर बनाता तो किल करते जाओ एनमी मारते रह जाएगा आपको, आप मरोगे नहीं यार, ऐसा कुछ हो गया तब तो बेकार है, कोई काम का नहीं है। एंड बात कर रहे हैं अब किसका बात करें यार, मैं तो सब कुछ बता ही दिया, अब आगे क्या वीडियो डालूंगा गाइस, अब आगे क्या वीडियो डालूंगा। चलो गाइस एडवांस में मैंने आपको बता दिया सब कुछ, एंड अगले लाइट पास भी आएगा बहुत जल्द, तो मिस्ट्री शॉप देखो, मिस्ट्री शॉप के ना चांसेस बहुत कम है क्योंकि यार वेजेंस वाला इवेंट चल रहा है, एंड उसमें हमें कहीं ना कहीं डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। एंड जो हमारा 3rd एनिवर्सरी होने वाला है फ्री फायर का, पिछली बार जानते हुए आपने उन्होंने हमें काउ बॉय वाला जो हमारा लाइट पास था, काउ बॉय एंड काउ गर्ल जो भी बोले, गन स्लिंग शॉट वाला जो भी बोलते हैं, तो उस वाले लाइट पास हमें फ्री में दिया गया था, तो मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं खेल सकता क्योंकि मेरा उस टाइम भी IDX चला गया था टेक्निकल इशू से, तो वो मैं बिल्कुल नहीं खेलता। एंड दैट्स व्हाई गाइस दैट्स व्हाई क्या है, हाँ मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं खेलता था, एंड अभी लॉकडाउन में थोड़ा मैंने गेम प्ले किया तो बस ऐसे ही खेलने का मन करता था, पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल था ऐसा नहीं है। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं अब परसों या नरसों की वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ एडवांस है ही नहीं कि मैं लाइव भी करूँ ये वो। सो बाय गाइज, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चाय पी लो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड वीडियो को बिल्कुल से लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ही देना। देखो लाइक का कोई टारगेट नहीं, आपको जो मन सो करो। Bye guys.